यूट्यूबर एल्विश यादव का कबूलनामा सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के सामने एल्विश यादव ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया है। पार्टी में सांप मंगवाने की बात, सांप का जहर मंगवाने का आरोप, एल्विश ने पुलिस से एक एक डिटेल अब शेयर कर दी है। सोशल मीडिया पर रोशनी बिखेरने वाले एल्विश अब जेल की काली कोठरी में अपने अपराधों का अंजाम भुगतेंगे। सेक्टर 51 में होने वाली रेव पार्टी के बारे में क्या आपको जानकारी थी? हाँ, जानकारी थी। ऐसी पार्टी अक्सर होती रहती है। पार्टी में सांप क्यों मंगवाए गए थे? सांपों को भिजवाने में आपका नाम भी सामने आया है। रेव पार्टियों में सांपों को भी लाया जाता है। पार्टी के लिए सांपों का इंतजाम आपने किया था? राहुल ने मुझे बोला था, मैंने सिर्फ उसको सपेरों से कनेक्ट करवा दिया था। सांपों के अलावा जो 20 ml सांप का जहर मिला है, उसका क्या करते हैं पार्टी में? स्नेक वेमन का कुछ लोग पार्टी के दौरान नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सूत्रों के मुताबिक यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव ने पूछताछ में आरोप कबूल कर लिए हैं। पार्टी में सांप मंगवाने की बात मान ली है, सांप का जहर मंगवाने का आरोप भी कबूल कर लिया है और ये भी कबूल कर लिया है कि अन्य आरोपियों से रेव पार्टी में मिल चुका था। करोड़ में फॉलोअर्स, लाखों फैन और सोशल मीडिया से करोड़ों की संपत्ति बना चुके एल्विश यादव का यह कबूलनामा ये बताने के लिए बहुत है कि अब उनकी जिंदगी के कुछ साल तो सलाखों के पीछे ही कटने वाले। एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आईपीसी की धाराओं के साथ साथ एनडीपीएक्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। एनडीपीएक्स एक्ट की धाराओं में जमानत मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है। एल्विश यादव फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है और नोएडा पुलिस की चार्जशीट भी इस मामले में जल्द दाखिल होने वाली है। एल्विश यादव के कबूलनामे के मुताबिक पिछले साल 3 नवम्बर को नोएडा सेक्टर 51 के एक बैंकेट हॉल में सांपों का जहर मुहैया कराया था। फॉरेंसिक टीम ने भी इसकी पुष्टि की थी। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने एल्विश यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस केस में एल्विश यादव और 6 अन्य लोगों पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और आईपीसी की धारा 129A के तहत केस दर्ज किया गया है। ये वही एल्विश यादव हैं जिनका अब कबूलनामा आया है, वरना इससे पहले एल्विश सफाई वाला वीडियो बनाकर खुद को सांपों के जहर के खेल से जुदा साबित कर रहे थे। लेकिन सवाल है, अब आगे क्या होगा? नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 के तहत भी केस दर्ज किया है। इस कानून के तहत तब कार्रवाई की जाती है जब कोई ड्रग्स से जुड़ी साजिश में शामिल हो या मामला ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़ा हो। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 20 साल की सजा हो सकती है। पुलिस ने 3 नवंबर 2023 को आरोपियों के कब्जे से 5 कोबरा समेत 9 सांपों को बचाया था। जांच से पता चला कि सभी 9 सांपों में वेनम ग्लैंड्स यानी जहर की ग्रंथि गायब थी, जिसमें जहर होता है। पुलिस ने उनके पास से 20 ml सांप का जहर भी बरामद किया था, लेकिन एल्विश ने आरोपों को खारिज करते हुए निराधार, फर्जी और 1% भी सच नहीं करार दिया था। अब एल्विश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल्स यानी पीएफए ने सांप के जहर वाली रेव पार्टी का पर्दाफाश किया था और तभी से नोएडा पुलिस की नजर एल्विश यादव पर थी। सवाल, बंगला, गाड़ी, फैशन से लगभग लाइफ के बावजूद एल्विश जहर का सौदागर कैसे बन गए? इसका जवाब सिर्फ एल्विश यादव की क्राइम कुंडली खंगालने से नहीं मिलेगी, बल्कि रेव पार्टियों में नशे के बढ़ते कारोबार की इनसाइड रिपोर्ट में मिलेगी। कोकेन, हेरोइन के अलावा अब देश में धड़ल्ले से रेव पार्टीज की आड़ में प्रतिबंधित सांपों के जहर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वजह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अलावा राज्य पुलिस भी अब प्रतिबंधित सांपों की खरीद फरोख्त और इससे जुड़े कारोबार करने वालों पर पैनी नजर बनाए हुए है और एल्विश यादव के मामले के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा चौकन्नी हो गई हैं।
ये पहली बार नहीं हुआ है। सांप और सांपों का जहर पुलिस ने पकड़ा है। सांप का जहर इतना महंगा है कि इसके कारोबार में अक्सर हाई प्रोफाइल लोग ही शामिल मिलते हैं। आपको आगे बताएंगे कि एल्विश यादव की सोशल मीडिया की चमक चांदनी का अब क्या होगा, लेकिन उसके पहले सांप के जहर का खेल समझ लीजिए जो रेव पार्टी में शान की चीज समझी जाती है। एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बाद स्नेक बाइट ड्रग एडिक्शन की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन ये बात आम लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि जहरीले सांपों के विष से कोई कैसे नशा कर सकता है, क्या वो नशा करने के बाद जीवित रह सकता है। इंटरनेट पर इसे लेकर कई रिपोर्ट मौजूद हैं, जिसके मुताबिक नशा करने वाले 2-3 तरीके से जहरीले सांपों का विष लेते हैं। इसमें एक्सपर्ट सफेरे या विशेषज्ञों की मदद ली जाती है। कुछ मामलों में नशा करने वाले अपनी जीभ पर सांपों से दंश करवाते हैं। इस प्रक्रिया में बेहद कम मात्रा में विष का जीभ से स्पर्श भर होता है। कई बार नशा करने वाले इंजेक्शन के जरिए विष लेते हैं, कई अपनी उंगलियों में भी सांप से कटवाते हैं। ये विष सीधे इंसान के मस्तिष्क पर चोट करता है और उसे एक अलौकिक दुनिया में पहुंचा देता है। लेकिन इस जानकारी से ज्यादा ये जानना जरूरी है कि ये बेहद खतरनाक और गैरकानूनी है। इसमें पलक झपकते ही नशा करने वालों की मौत हो सकती है, लेकिन नशे के कारोबार पर इसका असर नहीं होता। हजारों रुपए खर्च कर सांप और उसके जहर को रेव पार्टियों में परोसा जाता है। सांपों के साथ खेल का एल्विश यादव के कई वीडियो वायरल है। एल्विश और उसके गैंग के पास जो कोबरा बरामद किया गया है, उसके जहर की कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे। दुनिया में नशे के कारोबार में कोबरा के विष की भारी डिमांड है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये विष 4 से 5 हजार डॉलर यानी करीब 4 लाख रुपए प्रति मिलीग्राम की रेट से बिकता है। इस हिसाब से देखें तो एक कोबरा के पास 20 करोड़ रुपए का जहर होता है। एक ठीक ठाक कोबरा में 620 मिलीग्राम तक विष होता है। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि नोएडा की रेव पार्टी में स्नेक बाइट एडिक्शन का जो केस है, उसके लिए किस हद तक पैसे खर्च किए गए होंगे। लेकिन यहाँ ये बात भी ध्यान में रखने वाली है कि जो 20 ml जहर पुलिस ने बरामद किया है, वो एल्विश यादव के पास से नहीं बल्कि उसके सहयोगी के पास से जब्त किया गया है। पुलिस इस वक्त सारे लिंक को जोड़ रही है, लेकिन इस बीच ये भी समझना जरूरी है कि इसके पीछे कुछ और भी बड़ा खेल तो नहीं है। बिग बॉस फेम और यूट्यूबर एल्विश यादव लगातार विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। पहले सांपों से जहर से जुड़ा मामला और उसके बाद एक अन्य यूट्यूबर के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होना, इसके क्या मायने निकाले जाएं कि क्या एल्विश यादव पब्लिसिटी स्टंट ले रहे हैं या इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं। कामयाबी की बुलंदियां फिसलन वाली सीढ़ियों से तय होती है, लिहाजा गिरने का चांस बहुत ज्यादा होता है। एल्विश यादव ये भूल गए, यहाँ तक कि खुद को निर्दोष और पाक साफ बताने के लिए वीडियो भी बनाते रहे, जबकि उनके फैंस को भी पता है कि एल्विश और विवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मारपीट करना, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर दूसरे यूट्यूबर के खिलाफ वीडियो बनाना या धमकी देना, जैसा कि कहा जा रहा है कि जिस संस्था यानी पीएफए ने एल्विश के जहर खुरानी गिरोह का पर्दाफाश किया, उससे भी एल्विश ने धमकी दी है, जिसका केस अलग बन सकता है। खैर, फिलहाल तो पुलिस के सामने एल्विश और भी कुछ उगल सकते हैं, जिसकी एक एक डिटेल आप तक पहुंचाने की हमारी गारंटी है। एल्विश यादव के दो यूट्यूब चैनल है। एल्विश ने 2016 में यूट्यूब चैनल बनाया था और तब से फेमस होते चले गए। यूट्यूब पर 1,45,00,000 सब्सक्राइबर हैं। एल्विश यादव व्लॉग्स के नाम से दूसरे यूट्यूब चैनल पर 75.1 लाख सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पर एल्विश यादव के 1,60,00,000 फॉलोअर्स हैं। एल्विश सेलेब्स की रोस्टिंग वीडियो बनाकर सबसे ज्यादा फेमस हुए थे। ब्लॉगिंग के अलावा एल्विश यादव कपड़ों के ब्रांड सिस्टम क्लोथिंग के मालिक हैं। एल्विश यादव लग्जरी लाइफ जीते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में आना जाना है, लेकिन नशे के खेल में एल्विश इस तरह और इतनी गहराई से शामिल हैं, ये जानकर एल्विश के फॉलोअर्स बहुत दुखी हैं।